राखी जी अभी क्यों आए हो आप पुलिस स्टेशन? एक मिनट राखी जी, बैठ वो शर्लिन चोपड़ा सुबह आई थी ना यहाँ। हाँ वो आके गई, तो मैडम ने एक बार बुलाया था। अच्छा, तो वो शर्लिन चोपड़ा के बारे में बहुत सारी धाराएं लगानी थी ना, बहुत सारी तकलीफ हो गई है। अच्छा, इसीलिए उसका पुलिस स्टेशन बनता है जुहू, वो मेरे पुलिस स्टेशन में आके क्या कर रही है? ओशीबारा मेला मेरा पुलिस स्टेशन यहाँ का बनता है। मैं तो बोलता हूँ एक बार मिल लो आमने सामने, खेल खत्म। हाँ, क्योंकि शर्लिन जी भी बोली थी कि आके कुछ बात कर लेते हैं, या तो तुम मेरे घर आ, तो आ जाए सामने, आ जाए ना, बुला लो आप, मैं तो रेडी हूँ सामने मिलने के लिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अभी अभी मैंने उसको सारा बोला कि मेरे मेरी कितनी इज्जत उसने उछा लिया मार्केट में। हाँ, बहुत गलत बोला है वो, दिस इज रॉन्ग। तो मैंने तो साहब को बोला है, मैम को भी बोला है, यहाँ पे वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए आई थी, किसी के पर्सनल पे नहीं जाना। तो यहाँ पे शर्लिन जी भी आए थे क्या? हाँ, सुबह आई थी आज। आए थे क्या? तो आपको इन्होंने इन्फॉर्म किया? हाँ, मुझे बताया कि वो आई थी यहाँ पे। क्या क्या बात हुआ था, मतलब उनसे? शर्लिन आई थी आके यहाँ पे, बोलते साहब देखो ना, मैम देखो ना, मेरे को राखी सावंत ने ऐसा बोला वैसा बोला। तो बता, तुमने भी तो बोला, उन्होंने भी तो देखा है, वो लोग भी देखते हैं सब, तुमने उसका राखी सावंत को कितना बेइज्जत किया है ना? गलत है, गलत है, हम सब आपके साथ हैं, पूरी देश की जनता आपके साथ है। और आपको उन्होंने कुछ माउथ डॉग ऐसा कुछ बोला भी था अभी पिछले इंटरव्यू में, माउथ डॉग कुछ ऐसा, सेटअप डॉग क्या, पॉटी पॉटी माउथ। हाँ, तो आपको दुनिया को मालूम है कौन कौन पॉटी माउथ है। हाँ, कौन कौन सा माउथ है, मुझे उसके लिए बोलना नहीं। अभी मुझे साहब ने बोला है उसके खिलाफ, एक अभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सारा मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट में है। और आदिल भाई का रिएक्शन है इस बार, वो मुझे नहीं मालूम। और अभी क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री आप करने वाले हो बिग बॉस में? सुनने में यार की नहीं हो रही राखी जी, आपके बिना चल नहीं रहा है सर। आप जाएंगे तो कुछ धमाल होएगा उसमें। यस, आपके जाने बोलो बिग बॉस वालों को, मेरे को ले मैं धमाल करूंगी। और अब्दू से भी मिलेंगे, मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगी, और साजिद खान जी से स्पेशल सारे शर्लिन चोपड़ा के सवाल करूंगी मैं। yes. पूछूंगी ना, जो भी जनता के सामने है पूछूंगी। okay. जो सच है वो साजिद खान जी बता देंगे, और मुझे पता है कि मैं, मेरा कोई हक नहीं बनता किसी को सवाल करने का, बट देश की जनता जानना चाहती है तो मैं पूछूंगी। अगर मुझे बिग बॉस में लेते हैं तो मैं एक एंटरटेनर हूँ, और मैं डेफिनेटली सब एंटरटेन करूंगी अंदर। बट अभी मैं ओशीवारा पुलिस स्टेशन गई थी, शर्लिन चोपड़ा इधर आके रो रही थी पुलिस स्टेशन में आके, साहब देखो ना साहब ऐसा हुआ, साहब ने और मैडम जो यहाँ पे है ना, उन्होंने सब दिखाया कि आपने भी राखी सावंत के खिलाफ बहुत बोला है, अब आप अम्बोली या जुहू जाइए अपने पुलिस स्टेशन में, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, ओशीवारा पुलिस स्टेशन मेरा पुलिस स्टेशन है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।